वीर सिंह बौद्ध जी हैं जो बहुजनों की बात को हमेशा निरंतर कहते रहते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में वीर सिंह जी। वीर सिंह जी, बहुजन समाज जिसे बोला जाता है, दबा कुचला भी बोला जाता है, और कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारिता जो है वो इसी समाज के पास है, तो किस तरीके से इस समाज की जो बेरोजगारिता है वो कैसे दूर हो पाएगी? हाँ, इसमें ये है ना बात जो है बहुजन समाज की को जो बेरोजगार की हालात में आज पहुंचा दिया गया है, उसका एक बड़ा कारण है जो शासक वर्ग है जी। जिसको हम 10-15% मान सकते हैं। 1990 तक जी। हमारे लोग रोजगार में आ रहे थे, सरकारी रोजगार था, LPG और ये प्राइवेट जो है सिस्टम या ठेकेदारी पर था ये तब तक नहीं आई थी। तब तक हमारे लोग रोजगार में, चाहे वो क्लास 4 में हो, क्लास 3 में हो, क्लास 2 में हो, आ रहे थे, और बाकी लोगों को भी अपने बच्चों को पढ़ाने की ये उम्मीद लगी हुई थी कि रोजगार मिल जाएगा, तो तक मिलता रहा। मगर उस 90 तक हमारे लोग जो शासन इसमें प्रशासन में आ गए, रोजगार में आ गए, तो जो शासक वर्ग है आप देखते हैं उसमें प्रशासन में हमारे लोगों की जो संख्या बढ़ी है उससे वो चिंतित हो गया जी। कि अगर ये बहुजन समाज आज जो प्रशासन में आया है जी। कल को ये शासन में भी आ सकता है जी। क्योंकि जो रोजगार से आत्मनिर्भर हो जाता है आदमी, और आत्मनिर्भर लोग ही कोई आंदोलन खड़ा कर सकते हैं जी। जिसके पास रोजगार नहीं है, यानी कि जो आर्थिक गुलाम और मजबूर है, आर्थिक गुलामी और मजबूरी व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, सभी अन्य प्रकार की गुलामी और मजबूरी की तरफ ले जाती है जी। तो वो जो सिस्टम था वो शासक वर्ग ने जानकर कि इनको रोजगार से पीछे हटाया जाए, रोजगार से अगर इनको हम हटा देते हैं तो एजुकेशन से भी हटा दिए जाएंगे, हेल्थ से भी हटा दिए जाएंगे, जानकारी होगी नहीं, फिर हम इनमें अंधविश्वास तेजी से फैला सकते हैं। और जब हमने इनको भ्रम इनमें फैला दिया, अंधविश्वास इनमें फैला दिया, तो हमारी सत्ता भी ठीक रहेगी और प्राइवेट करके हेड भी हम रहे। की बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे अब आप घर में हमारी माताएं बहनें हैं बड़े भी, कि जब टीवी देखते हैं, आज टीवी है, रेडियो है, पेपर है, पत्रिकाएं हैं, उसके बावजूद भी हर चौराहे पे आप एक मंदिर देखोगे जी, है ना, कहीं शनि मंदिर है, कहीं वैष्णो है, कहीं शिव है, मतलब कोई जगह आपको नहीं मिलेगी। अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो पहले रोड बस स्टैंड पे जाने से पहले कोई ना कोई मंदिर आपको बीच में मिल ही जाएगा जी। और लोगों की इतना प्रचार किया गया, इतना प्रचार किया गया, इतना प्रचार किया गया है कि लोगों को ये बात दिमाग में बैठा दी कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान, रोजगार भी मिल जाएगा, बच्चे भी एजुकेशन ले लेंगे, बेटी बेटियों की शादी भी हो जाएगी, मकान भी बन जाएगा, उसका स्रोत, उसका केंद्र, उसको देने वाला ये मंदिर में बैठी हुई मूर्ति के रूप में भगवान है, इससे प्रार्थना करो, इसकी तरफ सेवा करो, भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, इससे ही। और इसको ही उसने बता दिया, हमारे लोगों के दिमाग में ये बात बैठा दी, खासकर हमारी माताओं के, कि ये भक्ति, पूजा, पाठ, प्रार्थना, भजन, कीर्तन ही सच्चा ज्ञान है। जब वो इसी को ही ज्ञान मान लिए और बाकी ज्ञान की जरूरत नहीं है, ऐसी मानसिकता बैठने के कारण हम जो कंपटीशन का पढ़ाई है, कंपटीशन की जो तैयारी है, एग्जाम की जो तैयारी है, उसकी तरफ जाने की बजाय हम पूजा पाठ के अंधविश्वासों में विश्वास करने लगे, इसलिए हम कोई भी कंपटीशन भी, एजुकेशन की तरफ भी हम नहीं बढ़ पाए हैं समाज के हालात जी। वीर सिंह बौद्ध जी ने बहुत खूबसूरती से बताया कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, और प्रतिज्ञा लेने का उनका बहुत जरूरी कारण ये रहा होगा कि जो बहुजन समाज है वो कहीं ना कहीं भ्रमित होता है, और बाबा साहब ने बुद्ध धर्म शायद इसलिए अपनाया होगा कि उनको लगता होगा कि ये जो विचारधारा है ये बहुत तेजी से लोग बढ़ाते हैं, और हमारे बहुत भोले भाले लोग हैं और इस विचारधाराओं में फंस जाते हैं, इसलिए शायद बाबा साहब ने भी बौद्ध धर्म अपना। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।